Hello friends, I am Murali from Simage College, and today I am going to discuss about DNS and its role in internet. मैंने आपको कुछ अपने लास्ट वीडियोस में इंटरनेट के बारे में बताया है, जिसमें एक टर्म था कि भाई डीएनएस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, देन डीएनएस के केस में कौन सी मीडिया यूज होती है. फिर मैंने आपको कुछ नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए और फिर मैंने आपको इंटरनेट डोमेन के बारे में बताया. अब इंटरनेट जो कि डोमेन बेस्ड रन करता है, तो इन सारे डोमेन्स को सर्च करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला सर्विस है, उस सर्विस का नाम है डीएनएस. हकीकत देखेंगे तो डीएनएस ही है जो इतने बड़े इंटरनेट में जो मिलियंस ऑफ डोमेन्स हैं उन्हें हमारे पास लाकर हमारे ब्राउजर पे ओपन करने में इसे हेल्प कर. ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि डीएनएस है क्या और इंटरनेट के केस में इसका क्या इंपॉर्टेंस, इसका क्या रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सिस्टम. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब इस डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या हो? हम यूजर्स जो होते हैं वो किसी भी डोमेन को, किसी भी नेटवर्क को सर्च करते हैं नेम्स, या गूगल पे भी हम किसी चीज की क्वेरी डालते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ साइट्स हमें नीचे नजर आ जाते हैं जिसे हम ओपन कर लेते हैं और नेम से आइडेंटिफाई भी करते हैं. ओके फाइन, google.com, myntra.com, flipkart.com, cmail.com, एनीथिंग, कोई भी डोमेन जो है नेम से. बट नेम हम ह्यूमन बींग्स के लिए कंफर्टेबल, हम मल्टीपल डोमेन नेम याद रख सकते हैं, एटलीस्ट मेन डोमेन नेम तो याद ही रख ही सकते हैं कि गूगल है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, उससे सर्च हो जाता है उसका वेबसाइट. लेकिन जब हम एक्चुअल में इसे अपने ब्राउजर पे डालते हैं तो ये नेम कन्वर्ट हो जाता है आईपी एड्रेस, और रियल क्वेरी जो है वो आईपी एड्रेस के हेल्प से जाती है. आखिर कौन है जो हम नेम से सर्च करते हैं और इसे बदल देता है आईपी एड्रेस में? तो वो सर्विस है आपकी डीएनएस. डीएनएस का यही काम ही है कि वो एक आईपी सॉरी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदले और साथ में वो आईपी से डोमेन नेम भी फाइंड आउट कर सकता है. अब डीएनएस सर्विस जिस मशीन पे रन करती है उसे हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर. डीएनएस स्पेशली एक प्रोटोकॉल, एक सर्विस है जिसका पोर्ट नंबर जो है वो 53 होता है, और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने पास एक डीएनएस सर्वर से, उस डीएनएस सर्वर के हेल्प से हम हमारी जो भी क्वेरी होती है उसे वो रिजॉल्व करके दे. वैसे कुछ ग्लोबल डीएनएस सर्वर्स भी हैं जिनकी नेम मैंने यहाँ पे लिखे हैं. वो ग्लोबल डीएनएस सर्वर्स लाइक गूगल की पब्लिक डीएनएस सर्वर है 8.8.8, जो प्राइमरी एड्रेस है इसका. सेकेंडरी एड्रेस है 8.8.4.4. इसी तरीके से एक है ओपन डीएनएस 208.67.222.222 एंड 208.67.220.220. हाँ, क्वाड 9 की है 9.9.9 एंड इसी तरीके से क्लाउड पेयर की है 1.1.1.1. अब ये डीएनएस कुछ यूनिवर्सल डीएनएस कहलाते हैं, कुछ ग्लोबल डीएनएस कहलाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, अब बात आ रही होगी कि आप हमें डीएनएस के बारे में बता रहे हैं तो क्या ये डीएनएस हमारे पास भी होता है जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि इस जब भी हम इंटरनेट चाहे किसी भी डिवाइस पे रख कर तो हमारी जो एनआईसी की यानी कि नेटवर्क कार्ड की, लैंड कार्ड, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस, इन दोनों के केस में एक आईपी एड्रेस मिलता है हमारे मशीन, और आईपी एड्रेस के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन मिलता है. तो चलिए इसे मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ. सॉरी, मैं अपनी मशीन की एनआईसी ओपन करता हूँ. मैंने एक छोटा सा कमांड डाला है रन पे, ncpa.cpl. अब ये मेरी एनआईसी है जो अभी कनेक्टेड है नेटवर्क से. इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, स्टेटस में किया, और इसके डिटेल्स में मैं जब चेक करूं
तो मुझे दिखाई देता है फाइन मेरे मशीन की आईपी एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है उसका, ये इसका डिफॉल्ट गेटवे है, ये इसका डीएचसीपी सर्वर एड्रेस है ना। और साथ में आप यहाँ पे गौर कीजिए, दिखा रहा है IPv4 DNS, ठीक है। अब ये कौन सा डीएनएस सर्वर है, तो ये डीएनएस सर्वर है जिस मतलब उस आईएसपी का जिससे मैंने सर्विस दिया, ठीक है, उसका है। और साथ में यहीं पे देखिए कुछ ग्लोबल यूनिवर्सल डीएनएस सर्वर है जो अभी आपको स्लाइड पे बता रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए 8.8.8.8 है और 8.8.4.3। अब इसी को मैं अपने स्लाइड पे अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए पब्लिक गूगल पब्लिक डीएनएस सर्वर है यहाँ पे 8.8.8.8 एंड 8.8.4.3, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे देखें तो इस तरीके से जब मैं इंटरनेट सर्विस यूज कर रहा हूँ तो मुझे डीएनएस सर्विस की जरूरत हो रही है, तो हम में से कोई भी इंटरनेट की सर्विस यूज करता है उसे डीएनएस सर्विस की जरूरत पड़ती है। और डीएनएस सर्विस जिस मशीन पे रन करता है उसे हम डीएनएस सर्वर कहते हैं, और डीएनएस सर्वर का आईपी हमारे मशीन में होना चाहिए, इसीलिए आप जब चेक करेंगे आपको ये दिखाई, ठीक है। जो है चलिए अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब डीएनएस ऐसा काम करता क्या, तो डीएनएस क्या करता, अपने पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स लाइक ए रिकॉर्ड, ट्रिपल ए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड, सी नेम, पीटीआर, एमएस। अब ये बड़े अजीब नाम लग रहे होंगे बट ये बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। दरअसल में डीएनएस का काम मैंने अभी आपको क्या बताया कि वो नेम को आईपी में बदल देता है और आईपी को नेम में बदलता है, ठीक है। एंड इसके लिए वो दो तरीके के जोन रखते, पहला जोन फॉरवर्ड लुकअप। अब जब फॉरवर्ड लुकअप जोन को देखेंगे तो ये अपने पास होस्ट रिकॉर्ड रखता है जिसे हम ए या ट्रिपल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका काम होता है नेम से आईपी में बदलना, इसका रिकॉर्ड ही इस तरीके का होता जिसमें आपको दिखाई देगा एक तरफ नेम और दूसरी तरफ आईपी, तो नेम से आईपी में कन्वर्ट करके दे देता है। जस्ट इसका रिवर्स भी हमें करने की जरूरत होती है कि नहीं भैया मुझे आईपी से नेम चाहिए, तो इसके लिए डीएनएस में दूसरा जोन होता है जिसे रिवर्स लुकअप जोन कहते हैं, और इसमें होता है एक पीटीआर रिकॉर्ड यानी पॉइंटर रिकॉर्ड, ठीक है। इसके हेल्प से वो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करके दे। डीएनएस सर्वर एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे अभी मैंने जो आपको अपने मशीन का डीएनएस सर्वर के बारे में बताया तो उसमें क्या देखा आपने कि तीन तीन डीएनएस सर्वर का एड्रेस दिखाई दे, बिल्कुल होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर्स हैं तो वैसे केस में हमारी क्वेरी और फास्ट रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी लोकल जो है मल्टीपल डीएनएस सर्वर का इन्वॉल्व है, फाइन। कई बार क्या होता है कि हमें हम जिस डोमेन को यूज कर, हम जो वेबसाइट यूज कर, तो वो वेबसाइट किसी न किसी डीएनएस सर्वर के ऊपर रजिस्टर्ड रहता है, यानी कि उस डीएनएस सर्वर में उसका रिकॉर्ड होता है। अब हम किसी वेबसाइट को कैसे चेक करें कि उसके कितने डीएनएस सर्वर, उसका डोमेन नेम क्या है, तो इन बातों को चेक करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल एक सर्विस है जिसे हम कहते हैं एनएस लुकअप। तो एनएस लुकअप के आउटपुट दिखाने से पहले मैं जरा चलता हूं और आपको एक सर्वर के ऊपर छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा। हाँ, एक मेरी लोकल सर्वर है, सिंपल सर्वर है। दरअसल में मैं डीएनएस के बारे में जितने रिकॉर्ड्स की बात कर रहा तो ये रिकॉर्ड्स आपको सर्वर के ऊपर दिखा दूं तो आई थिंक कि आप ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक मशीन सर्वर मशीन रखी है, पहले तो मैं इसे फुल स्क्रीन में डाल लूँ। दरअसल में ये जो मेरी मशीन है ये विंडोज सर्वर 2016 मशीन है, एंड ये मेरी सर्वर मशीन है। एंड इस मशीन के ऊपर में मैंने डीएनएस सर्विस डाल रखी है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये देखिए मेरा सर्वर है डीएनएस, फाइन। ये डीएनएस सर्विस मेरे ऊपर रन कर रही है,
इस डीएनएस सर्विस को मैंने यहाँ ओपन किया, ठीक है। वापस से थोड़ा सर्वर मैनेजर पे आ रहा हूँ। अगर मैं अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी दूं, तो मेरे सर्वर का नाम क्या है, एमएम सर्वर, एंड मेरे सर्वर की आईपी एड्रेस 3.0.0.1 है, ठीक है। अब ये बातें मैंने बताई, ये जस्ट आपको तो आगे जरूरत होगी। अब आता हूं मैं डीएनएस। अब डीएनएस सर्वर का मेरा नाम क्या है, एमएम सर्वर, जो मेरे मशीन की नाम का नेम है वही यहाँ पे डीएनएस सर्वर, यानी कि एक्चुअली में ये मेरे मशीन। अब इस डीएनएस सर्वर को मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूं, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, ये दो जोन। अब इस फॉरवर्ड लुकअप जोन में जैसे मैंने एक बनाया हुआ है abc.com, जस्ट यहाँ। अब इस abc.com को जब मैंने बनाया, तो abc.com में देखिए यहाँ पे एक होस्ट रिकॉर्ड क्रिएटेड है, www करके समथिंग, ये होस्ट रिकॉर्ड ए, इसी रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था, और साथ में इसका आईपी, यानी कि ये डीएनएस ही है जो नेम को आईपी में बदल। और इतना ही नहीं, अगर मैं रिवर्स लुकअप जोन को थोड़ा एक्सपैंड करूं, तो यहाँ पे ये मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है, देखिए एक साइड आईपी है, दूसरी तरफ नेम। मैं और चाहूं और बना सकता हूं, जस्ट चलिए एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे ही आप ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई, होस्ट रिकॉर्ड, सी नेम, एमएक्स, हाँ इसी तरीके से एसओए, एनएस रिकॉर्ड, अलग अलग रिकॉर्ड से। मैं एक होस्ट रिकॉर्ड बनाता हूँ, जस्ट मैं नाम देता हूँ हेलो या फिर पटना, पटना। पूछ रहा है कि आपने जो डोमेन बनाया हुआ है वो abc.com, परफेक्ट। तो आपके पूरा नाम आपका हो गया patna.abc.com, जो यहाँ पे, इसकी आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस तो मेरे मशीन की एक ही है, इसलिए मैं इसी आईपी को बार बार स्पेसिफाई करूंगी, तो 3.0.0.1 ये आईपी एड्रेस है। अब ये कह रहा है क्या कि मैं पीटीआर रिकॉर्ड, यानी पॉइंटर रिकॉर्ड, जिससे आईपी से नेम में कन्वर्जन हो, उसे भी क्रिएट कर लूँ, तो कर सकते हैं हम यहाँ से। लेकिन मैं जानबूझ के अनचेक कर रहा हूँ, जिससे मैं मैन्युअली उसे बना के आपको दिखाऊँ। अनटेक किया, है ना, सक्सेसफुली क्रिएटेड, डन। अब आप देखिए यहाँ पे एक और रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, पट्टा, और साथ में ही आई। अब इसका पॉइंटर रिकॉर्ड ही बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे अगर आईपी से नेम को रिजॉल्व कराना हो, तो यहाँ आए दो पॉइंटर रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरे क्रिएटेड है, एक नया पॉइंटर, न्यू पॉइंटर रिकॉर्ड। पूछ रहा आईपी कौन सी है, भैया आईपी तो एक ही है, वन। एंड उसके बाद होस्ट नेम, अब देखिए ये मेरा पॉइंटर रिकॉर्ड है एक्चुअल। अब ब्राउज कर लूं किस नाम से रिलेट करना है, ये मेरे सर्वर की मशीन, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये abc.com, और अभी अभी मैंने रिकॉर्ड बनाया था पटना, इसलिए इस पटना को सर। ओके सी, एक पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट होगी। अब ये दो रिकॉर्ड मैंने क्रिएट कर लू, राइट क्लिक, थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह कर लू। अब मैं चाहूं तो यही से, जो एनएस लुकअप की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट यहीं पे आता है लॉन्च एनएस। जब मैंने लॉन्च एनएस लुकअप किया, तो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है हेलो डॉट abc.com 3.1 सम, ठीक है। इस नाम से भी रिकॉर्ड बना हुआ, अभी पटना बना है वो भी है। चलिए तो इसको थोड़ा कमांड प्रॉम्प्ट से दे, आ गया कमांड प्रॉम्प्ट पे, एनएस लुकअप आईपी एड्रेस है 3.0.0.1, एंटर। अभी देखिए www दिखा रहा है, पटना भी दिखा रहा है कि हाँ दो दो डोमेन है, एक www.abc.com, patna.abc.com, उसके ऊपर आपने देखा hello.abc.com। इस तरीके से मेरे एक ही डीएनएस सर्वर पे मल्टीपल डोमेन आ गए, अलग अलग होस्ट नेम के साथ। मैंने होस्ट नेम वगैरह के बारे में आपको बताया है अपने लास्ट वीडियो में, तो जस्ट मैंने एनएस लुकअप से यहाँ टेस्ट कर अपने डीएनएस सर्वर। अब और भी मैं कुछ डीएनएस पे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इसके बाद चलते हैं इसी सर्वर के प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। देखें यहाँ पे कुछ दिखाई देता है,
ये फॉरवर्डर्स है, एडवांस्ड है, ठीक है फाइन। इधर कुछ नजर नहीं आ रहा है, जस्ट यस नो सॉरी, इसी के ऊपर आता किसकी प्रॉपर्टीज में आता। हाँ फाइन, यहाँ पे देखिए मैं एसओए रिकॉर्ड की बात कर रहा था, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, वो इधर दिखाई दे रहा। इस तरीके से मेरे डीएनएस में डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड क्रिएट, और ऐसा ही रिकॉर्ड क्रिएट होता है इंटरनेट के केस में, जो डीएनएस सर्वर आईएसपी रखते हैं वहां पे वो जितने डिफरेंट डोमेन से जितने हम हिट करते हैं सबके बारे में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब डीएनएस की एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है आपके डीएनएस का केस। केस का क्या इंपॉर्टेंस है, दरअसल में ये केस ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर केस का ऑप्शन आया, तो इस डीएनएस में एक केस है जहाँ पे टेम्परेरली जितने भी हम डोमेन हिट करते हैं उनके रिकॉर्ड को रखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपने लाइव सर्वर पे आपको दरअसल में रिकॉर्ड्स दिखाए कि कैसे इंटरनेट में डीएनएस हमारी हेल्प करता है और डीएनएस कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड अपने पास है, ठीक है। अब मैं वापस से अपने स्लाइड पे आ जाऊं, तो मुझे अपने वर्चुअल मशीन को थोड़ा मिनिमाइज करना होगा ना। फाइन, अब देखिए जस्ट हम लोग जो डीएनएस यूज, उस डीएनएस को इंटरनेट एक्सेस कर उसको हम लोग चेक कर, कोई भी चले जरा कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब मैं अपने मेन मशीन पे कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ, आ गया यहाँ, ये मेरे मशीन की है इंटरनेट इस पे चल, मैं यहाँ पे आप जब इंटरनेट यूज कर रहे होते अपने कंप्यूटर वगैरह तो वहां पे आसानी से आप चेक कर सकते हैं जो भी आप डोमेन चला, यानी कि जो भी वेब पेज आपने ओपन किया उसके बाद देखिए कैसे NSRW के। अब मैं अपने कॉलेज की ही बात, कॉलेज तो उसकी साइट है, उसका डोमेन है www.simil.com। मैंने एंटर किया, अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो फट से ये बता रहा है कि CPS1 ZTE.com CN की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, एक नॉन ऑथोरिटेटिव आंसर आया है आपके पास। मैं आपको आगे समझाता हूँ नॉन ऑथोरिटेटिव का मतलब क्या है। ये साथ में बता रहा है कि देखिए आपका जो डोमेन है वो एक्चुअली में simil.in के नाम से है, परफेक्ट simil.in के नाम से, एंड इसका जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस ये है, और इसकी जो एलियास क्रिएट हुई यानी कि जो फुल डोमेन नेम आपको दिखाई देता है वो आपका है www.simil.in, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने सिमेज के और भी इंफॉर्मेशन देखता हूँ, मेरी सिमेज साइट जो है उसकी, तो सेम कमांड मैं यूज कर लूंगा एनएसएलडब्ल्यू लुकअप, एंड यहाँ पे मैं दरअसल क्वेरी करूँ लिंक सर्वर्स के बारे में, कौन कौन से डीएनएस सर्वर हैं जो सिमेज के साइट को ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन होने में हेल्प कर उसको। तो क्यू क्वेरी इज इक्वल टू एंड एंड अब देखिए जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे आ रही है इंफॉर्मेशन, फाइन अगेन ये सेम इंफॉर्मेशन है, फिर नॉन ऑथोरिटेटिव आंसर आया है, कह रहा है कि देखिए आपके डोमेन का नाम www.simil.in है जिसका कैनोनिकल नेम यानी सी नेम बोलते हैं इसी को, इन शॉर्ट सी नेम जो है वो simil.in है, एंड इसके दो दो नेम सर्वर हैं, एक का नाम है ns22domaincontrol.com, दूसरे का नाम है ns21domaincontrol.com, यानी कि हमारी सिमेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इमेज साइट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो दो डीएनएस के हेल्प से ओपन है।
इसी तरीके से आप कुछ और डोमेन को सर्च करते हैं, गूगल को सर्च करते हैं, सब लोग मोस्टली फ्रेंडली होते हैं गूगल से, क्यों ना भी हो, क्योंकि तो गूगल बहुत हेल्प करता है हमारी। तो सेम कमांड बट डोमेन मैं चेंज कर रहा हूँ, इमेज की जगह पे गूगल डाल, गूगल डॉट कॉम। मैंने गूगल डॉट कॉम हिट किया, ये आपका इंफॉर्मेशन जो लेकर आया है वो इंफॉर्मेशन लेके आया है डायरेक्ट, भैया आपका जो है वो गूगल डॉट कॉम है, इसका एक प्राइमरी नेम सर्वर है, नेम सर यानी डीएनएस सर्वर NS1.google.com, एंड आपका यहाँ पे मेलिंग फैसिलिटी भी है, तो ये है, उसके बाद ये रिफ्रेश रेट क्वेरी सीरियल नंबर समथिंग समथिंग का। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गूगल को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक ही नेम सर्वर है, मल्टीपल नेम सर्वर है, बट ये प्राइमरी नेम सर्वर को दिखा। इसी तरीके से एक और डीएनएस तो और भी प्रॉपर समझने आएगा, लाइक फ्लिपकार्ट को मैंने, हम लोग मोस्टली मार्केटिंग करते हैं, इस डोमेन को ओपन कर लो, इस वेब पेज को ओपन कर लो। अब आप देखिए कि फ्लिपकार्ट डॉट कॉम में दिखा रहा है कि आपके ये जो है वो नेम सर्वर है जो कि अलग अलग जोन में भी, लाइक एक नेम सर्वर जो एस डीएनएस है, हाँ एस डीएनएस में फिर आप आ जाइए, यहाँ पे डॉट ओ आर जी है, डॉट कॉम है, डॉट बिज है, डॉट नेट है, अलग, एंड इनके आईपी एड्रेस को भी ये शो कर। इसी तरीके से अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन, एमएस लुकअप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, इसलिए कई कई साइट ही ऐसे बने हुए हैं जो एक्चुअली में एमएस लुकअप प्रोग्राम को यूज करते हैं और यूजर को दिखाते हैं कि भैया मैंने आपको डिफरेंट डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके दी। दरअसल में एमएस लुकअप नाम की एक साइट भी, जब आप उस साइट पे जाएंगे ना तो सीधे आपको बोलेगा डोमेन नेम या आईपी एड्रेस डालो, मैं इंफॉर्मेशन दे, आप जो भी डालते हैं उससे रिलेटेड वो सारे क्वेरीज करके, जो अभी हम लोग कमांड लाइन के थ्रू वन बाय वन कर रहे हैं, वो सारे क्वेरीज करके दे। जैसे और भी आप टाइप कर सकते हैं, वैसे मैंने अपने पीपीटी स्लाइड में लिखा हुआ है सारी चीजें, जैसे यहाँ पे हम टाइप दे, एक स्विच होता है टाइप TY टाइप इक्वल टू SOA, जस्ट स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। अब ये आपको पप्पू भी बता देगा सारा कि आपका प्राइमरी डीएनएस सर्वर कौन सा है और बाकी डीएनएस सर्वर कौन सा। तो देखिए अब जो हमारा ये फ्लिपकार्ट डॉट कॉम है उसके प्राइमरी डीएनएस सर्वर कोई और ही, ठीक है। अब इसका जो मेल सर्विस रन करता है वो एड्रेस कुछ और, यानी कि जो डोमेन हमारा रजिस्टर्ड होता है हम चाहते हैं कि साथ में मेल फैसिलिटी भी मिल जाए, जैसे हमारे सीमेज में भी मेल फैसिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेल सर्वर उसका अलग हो। हाँ वैसे हम मेल एक्सचेंजर बोलते हैं उसको, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी हो तो जस्ट आप यहाँ पे SOA की जगह पे MX टाइप करते हैं, MX, तो आपको ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि हाँ मेल एक्सचेंजर इसका प्रेजेंट है फ्लिपकार्ट का, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डीएनएस के पास, हमारे डीएनएस के पास में ही डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, और हम जब भी कोई इंटरनेट नेट पे डोमेन हिट करते हैं तो वैसे केस में हमारा रिक्वेस्ट जो है वो डीएनएस के पास जाता है, और डीएनएस हमारे क्वेरी को रिजॉल्व करता है, उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, एंड देन उस आईपी एड्रेस की हेल्प से एक स्पेसिफिक सर्वर हिट होती है और हमारे कंप्यूटर के ऊपर में एक वेब पेज ओपन, ठीक है। जस्ट तो ये हमारा था। अब जरा नेक्स्ट कि डीएनएस के पास हमारा कोई भी क्वेरी जाता है वो रिजॉल्व करता है हमारे पास पेज ओपन, तो क्या आईएसपी के पास जो डीएनएस जो जिसका हम सर्विस है, कोई भी आपकी आईएसपी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, तो आईएसपी के पास भी डीएनएस होना, तो क्या वही डीएनएस हमें सारे साइट्स के बारे में बता देता है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आईएसपी का डीएनएस ही सारे साइट्स के बारे में बता। दरअसल में आईएसपी का डीएनएस करता है कि हम जब भी किसी साइट के लिए उसे हिट करते हैं ना, तो हिट करने के बाद वो क्वेरी आईएसपी के पास जाती है, और जाने के बाद आईएसपी के डीएनएस में
वो सच होती है, और डीएनएस में भी, खासकर डीएनएस केस में सच होती है। तो अगर प्रीवियसली हमने उस साइट को हिट कर रखा, तो अगली बार जब हम हिट करते हैं ना, तो हमारे आईएसपी के डीएनएस के केस में वो क्वेरी ऑलरेडी रिजॉल्व होके पड़ी होती है, तो वहां से हमें क्विक रिप्लाई मिल जाए और फट से साइट ओपन हो जाए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं, ठीक है, कई बार दूसरे डीएनएस से सर्च करना। इसी बात को हम समझ रहे हैं कि डीएनएस आखिर रिकॉर्ड कैसे फाइंड कर सकता है और कैसे हमारे कंप्यूटर पे साइट ओपन। अभी आप जब आउटपुट देख रहे थे एनएस लुकअप का, तो वहां पे एक टर्म आया था नॉन अथॉरिटेटिव। तो होता क्या है कि जब भी आप एनएस लुकअप चलाएं और आपको नॉन अथॉरिटेटिव मिल रहा है लिखा हो, इसका मतलब समझ जाइए कि ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये जो आउटपुट आया है, ये हमारे लोकल डीएनएस यानी आईएसपी के डीएनएस की तरफ से है। आईएसपी ने उस रिकॉर्ड को कभी ना कभी पहले हिट फाइंड आउट किया था और उसको अपने केस में मेमोराइज करके रखा है, तभी वो इंफॉर्मेशन है। इस तरह के क्वेरी को हम कहते हैं इटरेटिव क्वेरी, जिसमें एक सिंगल डीएनएस से ही हमारा काम हो जाता है, यानी आईएसपी के डीएनएस से ही हमारा काम हो जाता है। लेकिन कई बार ये क्वेरी जो है वो दूसरे डीएनएस पे जाए। हो सकता है कि हमारे आईएसपी के डीएनएस के केस में ऐसा कोई रिकॉर्ड कभी फैच ही नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड है ही नहीं, ऐसी वेबसाइट कभी खुली ही नहीं, तो वैसे केस में वो क्या करता, दूसरे डीएनएस को हिट करता, यानी कि सेम क्वेरी जो है वो आगे के डीएनएस पे फॉरवर्ड। और जब वो आगे के डीएनएस पे फॉरवर्ड हुई, तो जो अगला डीएनएस है मे बी वो भी क्वेरी नहीं रिजॉल्व कर पाए, तो उसके आगे के डीएनएस पे जाए। जब फाइनली क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है, तो वो क्वेरी का रिप्लाई जो है वो आ जाता है हमारे डीएनएस के केस में, यानी आईएसपी के डीएनएस के केस में, और फिर वहां से हमें रिप्लाई, ठीक है। इस तरह की क्वेरी को हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेटिव क्वेरी या रिकर्सिव क्वेरी। रिकर्सिव का मतलब भी वैसे होता है जो बार बार प्रोसेस हो, फाइन। तो इस तरीके से हमने देखा कि डीएनएस रिकॉर्ड्स को फाइंड करके हमें देता है। अब आप बखूबी इस बात को समझ रहे होंगे कि ये डीएनएस ही है जो सारे रोल प्ले करता है। हम यूजर्स तो सिर्फ वेबसाइट हिट कर, वेबसाइट को ढूंढना, वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये सारा काम जो है वो डीएनएस का। हम आप अगर कोई वेबसाइट रन करा रहे हैं या होस्ट कराए हैं या होस्ट कराएं इन फ्यूचर, तो आपके पास भी कुछ टूल है जिसके हेल्प से आप अपने ही डोमेन को, अपने वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे डोमेन के लिए कौन कौन से डीएनएस सर्वर, कौन कौन से डीएनएस सर्वर हैं जो क्वेरी रिजॉल्व करके दे, फाइन। तो ये तो बात की डीएनएस की इंपॉर्टेंस की। सो डीएनएस प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेट साइट, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ठीक है। लास्ट, अब यहां पे बात आती है कि जब भी हम कोई डोमेन नेम डालते हैं, डोमेन नेम में एक टर्म आता है यूआर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में जो हम एड्रेस डालते हैं, वो एड्रेस हमारा HTTP या HTTPS से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसके बाद कोलन डबल स्लैश, अगर सब डोमेन है, मैंने ये बात पहले भी आपको समझाई है पूरा कि क्या होता है डोमेन नेम, तो सब डोमेन है तो सब डोमेन का नाम, फिर मेन डोमेन का नाम, फिर वो किस जोन में है, एंड उसके बाद अगर उस साइट के किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे जाना है तो उस कंटेंट का पाथ। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो यूआरएल कहलाता है, और इसी यूआरएल के हेल्प से हम किसी वेबसाइट या वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक कंटेंट तक पहुंच जाए। लेकिन यूआरएल भी काम कैसे करता, तो डीएनएस के, ठीक है। अब हमने डीएनएस को यहां तक समझ लिया है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा डोमेन रजिस्ट्री कर, कि डोमेन हम रजिस्टर्ड करते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए मेरे वीडियो को, मैं आपको इंटरनेट से रिलेटेड ऐसे ऐसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट की आपके लिए इंटरनेट को।
सो एज आई ऑलवेज से, प्लीज सी माई वीडियो के अब थोड़ा पेशेंस रख के देखें, एंड अच्छा लगे तो इसमें जो मैं छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स बताता हूँ उसे जरूर इम्प्लीमेंट करें, एंड लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन लिखिए, बुलेट पॉइंट्स कीजिए, और ओवरऑल मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, तो अगर आप सीरीज में वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ। थैंक यू, थैंक यू।